तेनाली राम ने पकड़ा झूठ। तेनाली राम ने पकड़ा झूठ में तेनाली राम एक महिला का झूठ पकड़ते हैं। एक महिला दरबार में सभी को बेवकूफ़ बना रही थी और उसका झूठ तेनाली राम पकड़ते हैं। महिला क्या झूठ बोल रही थी और तेनाली राम उसका झूठ कैसे पकड़ते हैं, यह सब जानने के लिए आपको हमारी कहानी सुननी पड़ेगी। यह कहानी पुराने समय की बात है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय उनके दरबार में एक महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली सुंदर साड़ी थी। महिला बक्से में से साड़ी निकालकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को और राजा को साड़ी दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह हैरान रह जाता। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ी बनाने का काम करती है। उसके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते हैं। उस महिला ने राजा से निवेदन किया कि अगर वह उसे कुछ पैसों दे दे तो वह उनके लिए भी बिल्कुल ऐसी ही साड़ी बना सकती है। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे पैसे दे दिए। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला और उनके कारीगरों के खाने पीने से लेकर उनके सभी खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय बीत गया। उसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। मंत्री ने उस महिला से पूछा कि ये कारीगर क्या कर रहे हैं। तभी महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं। लेकिन मंत्रियों ने कहा कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तभी महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने आज तक कोई भी पाप ना किया हो और जिसका मन पूरी तरह से साफ हो। उस महिला के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजा के मंत्री बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वह वहाँ से चले गए। राजा के पास वापस आकर मंत्रियों ने कहा कि राजा महाराज हमें ने वह साड़ी देख ली है और वह बहुत ही सुंदर है। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा काफ़ी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दे दिया। वो महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। लेकिन ये क्या, दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि राजा के साथ किसी भी दरबारी को साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर तेनाली राम ने राजा के कान में कहा कि ये महिला ने झूठ बोला है, वह हम सभी को बेवकूफ़ बना रही है। इसके बाद तेनाली राम ने उस महिला से कहा कि उन्हें या दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को ये साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तेनाली राम की यह बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसने आज तक कोई पाप ना किया हो और जिसका मन साफ हो।
महिला की इस बात को सुनकर तेनालीराम के मन में एक योजना आई। उन्होंने उस महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि आप खुद उस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी को वह साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुनकर वह महिला राजा के सामने माफ़ी मांगने लगी। उसने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। महिला ने कहा कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है, वह सभी को बेवकूफ़ बना रही थी। उस महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सज़ा सुनाई। लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो राजा ने उसे छोड़ दिया और माफ़ करके उसे जाने के लिए कह दिया। साथ ही राजा ने तेनालीराम की चतुराई की तारीफ भी की। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन झूठ ज़्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता है। एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है, इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। हमारी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।